नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज लेमन स्क्वैश बनाएंगे हम। तो बार बार आपको नींबू की शिकंजी रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम एक ही बार बना के रख लेंगे और ये कई दिन ख़राब नहीं होता है। तो आइए बनाते हैं इस ठंडे ठंडे से लेमन स्क्वैश को। तो देखिए, हम एक कप से नाप कर चीनी लेंगे। आप गिलास ले लें, कटोरी ले लें, पर सेम कप रखें। और सेम कप से ही हम एक कप पानी डालेंगे और गैस पे इसे हम बॉईल करेंगे। तो इसे मिलाते रहेंगे ताकि चीनी नीचे चिपके नहीं, और बॉईल होने तक इसे मिलाएंगे। इसके बाद एक थोड़ी सी गाढ़ी, बहुत तार या गाढ़ा नहीं करना है इसे हमें, हल्की सी चिपचिपी चाशनी बनानी है, एक तार से लगभग पहले की। इसे मैंने थोड़ा सा काला नमक और काली मिर्च डाली है फ्लेवर के लिए, उससे आप देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, ये मीठे को बैलेंस करेगा। और अब देखिए, चाशनी को हम बंद कर देंगे, थोड़ी गाढ़ी हो गई है ये, और ठंडी होने पर ये और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो बहुत गाढ़ी आप ना करें। ये देखिए, अब ठंडा हो गया है ये, और इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब जितना हमने चीनी ली थी उससे आधा, यानी आधा कप अब नींबू का रस लेना है। उसे हमने छान लिया है, बीज हटा लिया है, और इसमें अब रस डालकर हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो ये देखिए, इतना ईजी हमारा लेमन स्क्वैश रेडी हो गया। इसे हम छान लेंगे ताकि कुछ और फिर भी रह गया तो निकल जाए, और काली मिर्च जो थोड़ी मोटी है वो निकल जाएगी। तो देखिए, इस तरह से छान लिया, ऊपर काली मिर्च के दाने भी निकल गए हैं। अब एक आप किसी भी कांच की बोतल या प्लास्टिक की बोतल में इसे डालकर ढककर स्टोर कर लीजिए और फ्रिज में रखिए। जब भी आपका नींबू की शिकंजी पीने का मन करे, बस आप इसे निकालिए और बनाकर पी लीजिए। तो देखिए, हम एक गिलास में बर्फ़ डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा लेमन स्क्वैश, जितना आपको चीनी या खट्टा पीने का पसंद है उतना हम डालेंगे। बाकी पोर्शन हम वाटर का डालेंगे, या फिर आप सोडा वाटर भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, चिल्ड और बिल्कुल ठंडा सा लेमन स्क्वैश रेडी है। आप पुदीने के पत्ते भी डाल सकते हैं। तो इसे बना के रखिए इस तरह से। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।